SRC प्राइवेट लिमिटेड के स्टॉल मौजूद हैं और मोहम्मद नबील साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो नबील भाई, पहले तो 16 बिल्ड एशिया एग्जीबिशन के हवाले से बताइए कि इस किस्म के एग्जीबिशन कितने बेनिफिशियल होते हैं इंडस्ट्री के लिए। देखिए, इंडस्ट्री के अगर हवाले से हम लोग देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल है। इसका मैं आपको सिंपल सा एक ये चीज़ बता सकता हूँ कि हम लोग ट्रेड के हवाले से जो है वो काफ़ी कंपनीज से हम लोग डायरेक्टली मुलाकात कर सकते हैं इसमें। दूसरा ये होता है कि हम खुद मैन्युफैक्चरर हैं और जो इस तरह की आइटम्स को आगे दूसरे सिटीज में या डिफरेंट कंट्रीज में भी अगर वो एक्सपोर्ट भी कर रहे होते हैं तो उनको एक लोकल यहाँ से चीज़ भी मिल सकती है और वो इसको इजीली एक्सपोर्ट भी कर सकता है। बाकी ट्रेड के हवाले से आपको आइडिया होगा, जितने भी ट्रेड एग्जीबिशन होती हैं इसमें बहुत अच्छा एक माहौल भी रहता है। काफ़ी बड़ी कंपनीज आती हैं, हमें उनका पता चलता है, उन्हें हमारा पता चलता है। लोकल प्रोडक्शन जो है उसके हवाले से उनको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये काफ़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। खैर, आप SRC के हवाले से बताइए मुझे कि आप क्या चीज़ प्रोवाइड करते हैं, आप किससे भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं आप? अच्छा, बेसिकली हम लोग जो है वो SRC प्राइवेट लिमिटेड, ये सिद्दीक शफी ग्रुप है जो कि 95 से हम लोग जो है वो वर्किंग कर रहे हैं। जो SRC है, शफी रेजो केमिकल, बेस जो हमारी है वो लेदर केमिकल्स और लेदर के हवाले से है। और उसके आगे अगर देखा जाए तो हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें हमारे पास कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, एडहेसिव्स है, कार केयर की एक पूरी डिवीज़न है, उसके बाद जो है वो होम केयर का एक डिवीज़न है पूरा। तो इसमें मल्टीपल हम लोग जो है वो डिफरेंट आप कह लेंगे कैटेगरीज में हम लोग काम कर रहे हैं। और सुजुकी हमारा जो है वो कार केयर के उसमें DFSK हमारे कस्टमर्स हैं। और इसी तरह से कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो आइटम्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग खुद मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं और हम इसको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। ये थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए कि ये क्या चीज़ रखी हुई है इस प्रोडक्ट के अंदर? देखिए, ये बेसिकली कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। ये होता है मोल्ड रिलीजिंग वैक्स होता है, उसके अलावा जो है ये भी मोल्ड रिलीज है। आपको पता होगा सियालकोट में काफी जो है वो हमारे स्पोर्ट्स के आइटम्स बन रहे होते हैं, उसमें रैकेट आइटम्स भी होगी सारी चीज़। तो ये बेसिकली एक मोल्ड के अंदर लगता है। अब जो मोल्ड होता है ना, उसको जब आपने वैक्स होती है तो उसके आपने कर दिया ताकि वो इजीली रिमूव हो जाए, तो ये उसके लिए डिफरेंट एक चीज़ है। ये सुपर प्लास्टिसाइजर्स हैं ये तीनों, ये हॉट मेल्ट ग्लू होती है, ये डिफरेंट आपकी वुड वगैरह के लिए यूज़ होती है। और ये जितने भी है ये कंस्ट्रक्शन में जो आप कह लें कि जितना भी सीमेंट है उसको मोस्ट फ्लोएबल की तरफ लेके जाता है, कम पानी इसमें यूज़ होता है और ज़्यादा से ज़्यादा ये फ्लो करता है। ठीक है, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि इस वक्त जो इन्फ्लेशन का सूरत हाल है ओवरऑल मुल्क में, इंडस्ट्री को कितना इफेक्ट हुआ है इससे? देखिए, जो मैं समझता हूँ ना, वो इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रही है क्योंकि कंज्यूमर की बाइंग पावर जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है और इंडस्ट्री के पास इतना मार्जिन नहीं होता। अब अगर हम रिसेंट सिनेरियो पे बात करते हैं तो हमारे पास मार्जिन बहुत हम कम पे काम कर रहे हैं ताकि एटलीस्ट कंज्यूमर जो है वो उसकी रेंज में एक चीज़ रहे और सेल हमारी जो है वो बढ़े। तो लेकिन अब जिस तरह की सिचुएशन चल रही है तो उसमें मेरा ये ख्याल है कि दोनों तरफ से ना ब्लॉकेज आ गया है। इंडस्ट्री इतने मार्जिन पे काम भी नहीं कर रही जिसकी वजह से वो आगे सेल नहीं हो रही, और जब सेल नहीं हो रही तो एक पूरा एक सर्कल आप समझ लेंगे इससे अफेक्ट कर रहा है। तो इंडस्ट्री तो ऑब्वियसली सफर तो कर ही रही है उसके, क्योंकि एक्सपेंस उसी तरह से चल रहे हैं और आगे से सेल नहीं हो रही, तो जब सेल नहीं हो रही तो एक्सपेंसिस बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं नबील साहब। और आप कम उमेश व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि तमाम ही जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनका यही कहना है कि इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल है उसने बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट किया है इंडस्ट्री को। नबील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। थैंक यू सो मच।